ब्रेस्ट मिल्क में 80% पानी होता है, इसलिए डिहाइड्रेशन से बचने के लिए और अच्छे मिल्क प्रोडक्शन के लिए अच्छी मात्रा में लिक्विड्स और पानी लेना बहुत ज़रूरी है। सोते समय बॉडी रिलैक्स रहती है और हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, इसलिए अच्छे लैक्टेशन के लिए स्ट्रेस फ्री रहना और पूरी नींद लेना ज़रूरी है। बार बार फीडिंग करवाने से ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलता है और हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, इसलिए बार बार फीडिंग करवाते रहना चाहिए। गुनगुने पानी से ब्रेस्ट की सिकाई करने और ब्रेस्ट की मसाज करने से मेमरी ग्लैंड्स ओपन होती हैं, जिससे मिल्क सप्लाई बढ़ती है। डॉक्टर की एडवाइस से लैक्टेशन को बढ़ाने वाले सप्लीमेंट्स और विटामिन भी लिए जा सकते हैं। मेथी दाना, दूध, कोकोनट, हरी सब्जियां जैसे लैक्टेशन फ्रेंडली फूड्स खाने से मिल्क सप्लाई बढ़ती है। फीडिंग के बाद ब्रेस्ट में बचे हुए मिल्क को ब्रेस्ट पंप की हेल्प से निकालने से हार्मोनल स्टिमुलेशन मिलता है। बेबी का मदर के साथ स्किन टू स्किन टाइम स्पेंड करने से मदर का स्ट्रेस रिलीज होता है और हार्मोन भी एक्टिव होते हैं, जिससे मिल्क सप्लाई अच्छी होती है। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।